हेलो एवरीबॉडी, खुशखबरी आई, 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी के फार्म भरे जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, 12वीं पास यदि आपने कर रखी है तो आपके लिए सरकारी नौकरी निकल चुकी है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। पूरी डिटेल जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके पूरी डिटेल का। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। ये है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऐप जो आपको आपकी जॉब की तैयारी के लिए वीडियो प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एजुकेटर हूँ, हर रोज़ करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, हरियाणा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है हिसार में। आपका 4 नवंबर को एग्ज़ाम होगा और जो एग्ज़ाम होगा वो आपका यूअर्स अकेडमी हिसार में होगा 4 नवंबर को। दोस्तों, यूअर्स अकेडमी का एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, यूअर्स अकेडमी HTET, CTET, SSC, CGL, बैंकिंग और HSC की तैयारी करवाता है, तो इस सेंटर में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा जिससे आप जीत सकते हैं 11,051 और भी बहुत सारे इनाम, तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके पूरी डिटेल का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं क्या खुशखबरी है आपके लिए और किस चीज़ के फार्म ये निकले हुए हैं। तो दोस्तों, ये सरकारी नौकरी है और ऑनलाइन फार्म स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ आपको डिटेल दिखा देता हूँ पूरी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं SSC स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, ग्रेड सी और डी की ये वैकेंसी है। 23/10/2018 को पोस्ट हुए है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC के द्वारा ये भर्ती निकाली जा चुकी है। ठीक है, अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आगे यहाँ पर आपको बताऊँगा पूरी डिटेल में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम फीस की बात कर लेते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपये फीस है, SC है, ST है, PWD है, वुमेन है किसी भी कैटेगरी की या ESM कैंडिडेट है, उनकी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लग रही है। जो आपको फ़ीस करनी है वो SBI चलाने के माध्यम से, SBI नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, मास्टर कार्ड से, आप किसी भी तरीके से अपनी जो पेमेंट है 100 रुपये की वो कर सकते हैं। अब बात आती है कि फार्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, 22 अक्टूबर से फार्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 19 नवंबर 2018 है। ठीक है, 19 नवंबर 2018 तक आप ऑनलाइन फार्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो फीस है वो आप 21 नवंबर 2018 तक भर सकते हो। ठीक है, और जो आपका एग्ज़ाम होगा डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा ये फरवरी महीने में। ठीक है, फरवरी महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बात करते हैं एज की। तो दोस्तों, एज का क्या मैटर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिनिमम एज 18 साल मांगी गई है। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट ने 18 साल उम्र कंप्लीट कर ली है वो कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम एज ग्रेड से के लिए 30 साल और ग्रेड डी के लिए 27 साल रखी गई है। और जो तो यहाँ पे बताया गया है SC ST OBC PWD एक्सर्विसमैन के लिए अदर से जो एक्स्ट्रा छूट होती है वो आपको इसमें दी जाएगी। तो दोस्तों, कौन इस फार्म को अप्लाई कर सकता है, तो 12th पास कोई भी कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आप फार्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फार्म बने स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप ये फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया हुआ है, सिलेबस भी दिया हुआ है और यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का आपको लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, यदि आपने 12th पास कर रखी है और आप सेंटर में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए वैकेंसी निकल चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों आज ही इस फार्म को भर लें क्योंकि ये SSC की जो साइट होती है वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बिजी बहुत रहती है, इसलिए उस पर लोड रहता है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आज ही अपना ये फार्म भर लें। मेल फीमेल कोई भी भर सकता है, इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों यदि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का, तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। इन नंबरों पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।